Okay, it's me, Zeeshan Ahmed. Welcome back to my channel. So, मेरे चैनल में आने के वास्ते तुम्हारा आभार, कैसा भी करते होंगे आभार. So, ये वीडियो है नॉर्मल, जिसकी आँखें नॉर्मल रहते हैं नॉर्मल करते हैं. जो आँखों में फिनाइल डाल के देखते हैं ना, वो लोग आँखों देखो प्लीज देख सकते हो. अल्लाह अभी कल को बोला तो आगे आने वाले क्लिप्स देख सकते हो. ये वीडियो नॉर्मल जो ऐसे थे ऑनलाइन देख सकते. अभी मैं कई को बोल रहा हूँ, आगे वीडियो देखे बाद मालूम पड़ता. गुस्से में उसका चेहरा भी नहीं चल रहा है, देखता हूँ ठीक भी है कि नहीं. कौन थे नशे फूकते आ रहे ना. चलो गिरी मैं मानता हूँ, कोई भी कर सकता, लेकिन बैग में फिट कैसा गिरी. फिट गिरी अपन चलो ये भी मान लेंगे, लेकिन बैग बंद कैसा हुआ, बंद कैसा हुआ बैग, ये नहीं मान सामने, ये मैं नहीं मान सकता हूँ सॉरी. कहीं को बोला तो देखो आ रो, पहली बात तो बैग में फिट गिरी नहीं सकते, दूसरा बैग में फिट गिर गई उन्हें और बैग बंद भी हो गया, और तीसरी बात इन आप खुद देखते होंगे आ रो नहीं सीधा टेलीकास्ट कर देते होंगे. अम्मा ये औरतें ये पुटियाँ कैसा बर्दाश्त कर सकते हैं कि यार वो अपने से बकवास बर्दाश्त ही नहीं हो पा. देखो अभी ऐसी आंखों का जाहिर इसको बोल रहा था मैं. क्या बोलूं मैं बगैर, उन्हें पतंग काटी, पतंग काटते कि उसके मांझे के जोर से उड़ गया है ने. एक खरगोश नौड़ता और इतना बड़ा सांप उड़ गया, यकीन करता कोई भी. और लिटरली ने जब उधर से गुलाटियां मारा था, मतलब खोदा था ना, कुछ भी नहीं था उसके आसपास, उसका पैलेस घर दिखा रहे थे. और वो भी कितने माले ऊपर था, नहीं मान पाले, उड़ा था. और वो जब औरत गिरी, औरत जो भी थी उन्हें जब कूदी ना, कूदते की जब पतंग आ गई बड़ी सी, वो भी लोहे के पाइप पर लगे हुए जिसको गाड़ियाँ बोलते हैं, आके उसका हाथ पकड़ लिया. और उड़ा रहे भी किससे ना, नॉर्मल मान जैसे कोई तो भी समझाओ यार. वो लोग अरे इसकी मैं क्या बोलो, समझाओ देखने वाले चाकू में फिनाइल डाल के देख रहे, और नहीं तो क्या फिर फिनाइल डाल के रहे तो आँखा दे सकते, नॉर्मल आँखा नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको ऐसी बकलोली. क्या बोलो तुम लोगों को. जो ये सब आलतू फालतू देखते, हम्मा लिटरली उन्हें खाली एक थोड़ा करके एक भैरी मारी, भैरी मार उन्हें भैरी मारते कि चावल से गोल भी खुदिज गिरी, पर्दे कन भी खुदिज गई, और उसको लपटारी भी गले में खुदिज, क्या बोले तो गले में फांसी पड़ गया. और उन्होंने उसको बचा, भागे भी ऐसा बचाने के वास्ते जैसा कि सैंडविच में उसका गला फंस के दब गया था उसके अंदर. नहीं नहीं तुम ना दिखाओ, हम ना चमन है ना देखने वाले, तुम ना जो दिखाए वो देख लेते. नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं पुराने क्लिप से, वो बैक की क्लिप क्या बाबा आदम के जमाने की है. नहीं 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 एक काम करेंगे, कौन सा अवार्ड था सर दोनों के लिए, अवार्ड सोचेंगे सर उसका कि नाम सोच के रखा था दोनों के अवार्ड का. हाँ बेकारी क्या बोलते पैरालाइजी अवार्ड गोज टू द ऑडियंस हु वॉचिंग दिस मास्टर पीस. छोटी से बालों उसकी छोटी से मेरी नहीं, और उठा के खाई में फेंक भी दी,
और वो बेचारा ऐसा है आधा आधा इंच गिर रहा, उसको मालूम ही नहीं गिर रहा। सो लो इतने पैसे कमा रहे हैं और वो VFX CGI नाम की एक चीज आती उस पर तो भी खर्चा हो करो वो। और उन दोनों अम्मा बाबा को नहीं मालूम आदि के वहां से खाई तक आके फिर भी आधी गिरा इसने खाई में अंदर। वो जैसा चोटी में पकड़ी थी बेचारी उसको फेंक गया था एक एक पोजिशन में लटक रहा उन्हें। क्या इन्हें भी जादूगर है? अच्छा जादूगर तू गिर जा मत। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे ले जाएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मियां खलीफा तुमने जान का टुकड़ा तोड़ दिया। वाह 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 इसको महल में मिला जाए ना चांद। इनके फुप्पा देखे गए और इनो भाई गन रस्सी फेंक के चांद तक चले गए। नहीं हमारा इलोन मस्क नासा वाले खाली चुप बिलियंस में पैसे उड़ा देते। इनका अच्छा है भाई गन कार में डीजल डाले चाबी लगाए स्टार्ट करे चांद तक उड़ गए भी और टुकड़ा भी तोड़ के ला लिए। अच्छा है ना खाली जो इलोन मस्क लोगों को तो भी नहीं आया आइडिया करे चांद तोड़ के ला लिए। एक और अवार्ड है द नॉनसेंस अवार्ड गोज टू द वॉरियंस हु वाचिंग दिस लेजेंडरी मास्टरपीस आई एम राइट। और ये कंसिस्टेंट लिखे हुआ है जब से देख रहे होंगे तो मैं बोल रहा हूँ। और एक बात एमसी स्टैन का मैं बिग बॉस से फैन नहीं हूँ, 2 साल से फैन हूँ। जब से स्नेक गाना आया था ना बीटा दोस्त बने साहब जिंदगी झाड़ डोले से बेचा ताली माने मेरे वो गाना से फैन। चलो एक और लेजेंडरी टीवी सीरियल जिसको अपने VFX CGI पे इतना भरोसा है जितना पैकेट को रहता। पैकेट बोलते शराबी कहते हैं अपना पैकेट को रहता कि उन्हें रात में कैसा भी कच्ची पैकेट मार लेता। और मैं तो क्या बोलूँ यार यदि देखो यदि कैसा दिख रहा हो वो यूट्यूब पे स्टोरी टेल्स वीडियोस आते नहीं इनफैक्ट उसमें तो भी रियल दिखते यार वो इतना बड़ा। और एक बात उनसे इतना बड़ा यदि है उसको खुदल दिया बाद भी उन्हें ऐसा है जैसा कि उसको धक्का लग ना खून निकल रहा हूँ उनमें से ना भाई। अच्छा नागिन है ना इन्हें सो कॉल्ड तुम्हारी नागिन शक्ति पहलना जरूरी रहता है इसको शक्ति नहीं पहले तो कैसा नहीं। अब इससे ज़्यादा जहर मैं नहीं देख सकता मेरी आँखें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब तुम लोगों को मेरे चैनल के और मेरे लाइक बटन वगैरह के साथ क्या करना है मेरे से बटन मालूम कहीं को वजह तो मैं चुप चुप याद नहीं दिलाता हूँ। तब तक के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।